डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यह संभव है कि हम सबके पास बराबर प्रतिभा न हो, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का हम सभी के पास बराबर का मौका होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज 25 जुलाई, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल से, और पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट studyvidyanprakash.com पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया नेशनल बंबू मिशन के तहत बांस की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितने रुपए प्रति बांस सहायता राशि देगी? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, 120 रुपए प्रति बांस के हिसाब से किसान के खाते में भेजे जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में ही प्रोडक्शन करने की योजना बनाई गई है, और बांस एक ऐसा जो है पौधा होता है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे होम क्राफ्ट में किया जाता है। भारत के प्रत्येक घर में आपको बांस से बने हुए बहुत सारी चीजें लाइक एज फर्नीचर और भी चीजें मिल जाती हैं। इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नेशनल बंबू मिशन शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करेंगे बांस के बारे में, तो बांस एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक घास है जिसका कुल है ग्रामीणी ई, ठीक है। बात करेंगे बांस के बारे में, तो बांस ग्रामीणी ई कुल का एक पौधा है जो कि एक घास के अंतर्गत आता है, और इस कुल के अंतर्गत ही आपका जो दूब घास होती है, इसके अलावा गेहूं, मक्का, जौ, धान आदि भी आते हैं। अगर बात करें 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कहा गया है कि बांस एक वृक्ष है, लेकिन वास्तव में बांस क्या है, एक घास है। रिलायंस रिटेल ने अमेजन के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की चर्चा आजकल अखबारों में है? तो दोस्तों यहां पर खबर ये निकल के आ रही है कि रिलायंस रिटेल में अमेजन जो है 99.99%, ऑप्शन सी 9.99% हिस्सेदारी को खरीदने जा रहा है। हालांकि अभी रिलायंस के द्वारा या अमेजन के द्वारा इसके बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल, जिसका आयोजन बीसीसीआई 19 सितंबर से करने जा रहा है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज यूएई। तो इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। आईपीएल 13 का आगाज 19 सितंबर से होगा और इसका जो फाइनल मैच होगा वो 8 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल के जो चेयरमैन है, नाम है इनका ब्रजेश पटेल, याद रखना आईपीएल के चेयरमैन कौन है, ब्रजेश पटेल, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। एक्चुअली में आईपीएल को टाला जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप रद्द होने के बाद अब आईपीएल के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है, और इसका आयोजन 2020 में यूएई में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो कि एक डैश है, तो आपको बता दें सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। ध्रुवास्त्र क्या है, एक एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है, और इसका जो विकास है वो किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। बात करेंगे ध्रुवास्त्र के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ध्रुवास्त्र है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से इसका टेस्ट किया गया है सफलतापूर्वक। और ध्रुवास्त्र जो है ये नाग हेलिना का एक हेलीकॉप्टर संस्करण माना जा रहा है, नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण माना जा रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। भारत और मालदीव ने हाल ही में डैश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों भारत ने अपने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए $20 मिलियन की सहायता राशि को एक तरीके से इसको बनाया हुआ है, एक कोष बनाया है जिसमें $20 मिलियन रखे गए हैं, और इसी डॉलर की मदद से भारत आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए मालदीव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत। और यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत मालदीव में जो छोटी छोटी सुविधाएं होंगी, कई सारी परियोजनाएं होंगी, उसमें भारत अपनी सहायता प्रदान करेगा। तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए भारत और मालदीव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि पड़ोसी देशों की सहायता के लिए भारत ने कितनी राशि को नियत किया है? सही जवाब इसका बनेगा $20 मिलियन। हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को 1 मिलियन यूरो के गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक जानी मानी पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी।
ग्रेटा थनबर्ग जिनका जन्म हुआ था 2003 में, तारीख थी 3 जनवरी की, यानी कि अभी इनकी उम्र लगभग 17 वर्ष है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी ये चुनी जा चुकी है 2019 में, ये भी आप याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शांति का नोबेल पुरस्कार देने के बारे में भी यहाँ पर इनको नामित किया गया था, लेकिन इनकी उम्र उस समय काफी कम थी जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जा सका। भारत सीरीज के जो ड्रोन है उस पर आइए विचार करते हैं, और यहाँ पर 5 पॉइंट है, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही हैं। तो जो भारत सीरीज के ड्रोन है इसका विकास DRDO ने किया है, बिल्कुल सही। पूर्वी लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करेगा ये भारत सीरीज के जो ड्रोन होंगे, इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, ये भी सही है। भारत सीरीज ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर काम करता है और दोस्त और दुश्मन को पहचान कर क्या करना है इस पर आधारित एक्शन लेता है। यह दुनिया का सबसे हल्का और स्मार्ट ड्रोन भी हो सकता है, तो यह भी सही जवाब है, यानी कि विकल्प 5 को आप आंसर चुनेंगे, सभी कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करेंगे हम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। स्थापना इसकी हुई थी DRDO के साथ यानी कि 1958 में, और यह भी याद रखना कि पूर्ण स्वामित्व वाला यह एक सार्वजनिक उपक्रम है, भारत का सबसे बड़ा यह लौह उत्पादक भी है और यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे अभी हाल ही में मनाया गया था, कब? सही जवाब इसका बनेगा 23 जुलाई को। तो जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई सन 1927 को पहली बार मुंबई से रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग की गई थी, और उसके बाद से प्रतिवर्ष 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय रेडियो प्रसारण की पहली संगठित शुरुआत 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बंबई केंद्र से हुई थी। वर्ष 1930 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस माध्यम के महत्व को समझते हुए इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम दिया, जो 1936 से ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो निर्णय क्यों लिया गया? गुजरात सरकार व उच्च न्यायालय की ओर से लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल को फीस नहीं लेने का आदेश करते ही प्रदेश की हजारों स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा मान्य नहीं है तो अब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सरकार ने कहा कि 16 मार्च से स्कूल बंद है, जब तक स्कूल खुल नहीं जाते कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता है। गुजरात हाईकोर्ट में आल गुजरात अभिभावक मंडल सहित अन्य कई याचिकाएं दाखिल कर कोरोना महामारी के बीच गुजरात में निजी स्कूल की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास पर नियंत्रण किए जाने तथा स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही फीस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अभिभावक मंडल के अध्यक्ष नरेश शाह का यह भी कहना है कि बच्चों को अधिक समय तक ऑनलाइन शिक्षा से मानसिक परेशानी पैदा हो सकती है, साथ ही आंखों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा एक घंटे से अधिक नहीं कराई जाएगी, और बुधवार को दिए गए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक स्कूल खुल नहीं जाते तब तक निजी स्कूल फीस नहीं वसूल सकते, और इसके बाद लगभग 1500 स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब ये तस्वीर देखिए और बताइए कि वेस्टर्न एयर कमांड चीफ के रूप में 1 अगस्त से किन्हें नियुक्त किया जा रहा है? दोस्तों सही जवाब है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए पश्चिमी वायु कमान प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह 1 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि विंग कमांडर विवेक राम चौधरी फ्लाइंग पायलट को 29 दिसंबर 1982 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच से जुड़े थे और वो एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। तो ये थे आज के टॉप 11 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया या ट्विटर पर ज्वाइन नहीं किया तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें और हमसे कनेक्ट हो जाएं।
सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो सारी आईडीज आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।